नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान रसायन। मैं हूं प्रोफेसर यशवी स्वामी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान रसायन और कृपया मेरा जो वीडियो है लास्ट तक देखिए ताकि कोई पॉइंट्स छूट न जाए, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट न जाए। सो थैंक यू। चलिए दोस्तों स्टार्ट करने जाते हैं आज का टॉपिक जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले एक मिनट में हम लोग जस्ट रिवीजन लेते हैं पीछे का। वी वेर स्टडिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अगर कोई भी रिएक्शन में अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और नया बॉन्ड मेकिंग होता है, बनता है, पहला वाला टूट जाता है, उससे जो भी नया प्रोडक्ट बनता है, ऐसी जो रिएक्शन है इसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इसके पांच टाइप्स होते हैं जो कि जिसमें से चार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आज का जो टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, वो पांचवा हम लोग आज देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन इस तरीके से है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, होगी, और इसमें दोनों भी स्टेप्स एक ही बार होंगे। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन होता है तो साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, और ये दोनों एट द सेम टाइम होते हैं। अगर ये दोनों रिएक्शन सेम टाइम हो रहे तो इसी रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मुझे पता है आप सभी के माइंड में माइट बी कन्फ्यूजन होगा कि ये रिडक्शन क्या होता है और ये ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट रिडक्शन इज व्हाट। देर आर सम केसेस। केस नंबर फर्स्ट, ये जो पहली कंडीशन है जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी रिएक्शन में अगर किसी मॉलिक्यूल से, एटम से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर सेकंड नंबर कंडीशन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में, सब्सटेंस में या फिर मॉइटी में अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो भी रिडक्शन कहलाता है। केस नंबर थ्री, थर्ड कंडीशन, बहुत बार स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शन में या फिर दूसरे भी रिएक्शन में हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई एटम मॉलिक्यूल में या फिर मॉइटी में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो भी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। चलो अभी देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिल्कुल इसका अपोजिट है। अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरी बात, अगर कोई भी रिएक्शन में अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कोई भी सब्सटेंस से, मॉलिक्यूल से, अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन एटम से भी हो सकता है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पेशली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कई बार क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में से अगर हाइड्रोजन एटम्स, मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं तो ऐसे भी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर तीनों भी कंडीशन है इसका मतलब एक ही रिएक्शन में तीनों के तीनों होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात लिखता हूं और, यानी कि केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड या फिर थर्ड, इन तीनों में से कोई भी एक भी अगर रिएक्शन होती है तो दैट विल बी कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलो इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द फर्स्ट रिएक्टेंट जिंक ऑक्साइड, सेकंड रिएक्टेंट कार्बन पाउडर, थर्ड दैट इज प्रोडक्ट जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोक्साइड इज फॉर्म्ड। चलो इफ यू फोकस ऑन दिस जिंक ऑक्साइड,
इन द प्रोडक्ट जिंक हैज लॉस्ट इट्स ऑक्सीजन। अगर देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड में से प्रोडक्ट में सिर्फ जिंक ही बचा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन, यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो चुका है। कार्बन की बात देखते हैं, कार्बन अकेला था एज ए सिंगल एलिमेंट, बट इफ यू सी इन द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में दिखाया जाए तो कार्बन मोनोक्साइड है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो चुका है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है कार्बन, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो हम लोग कहाँ देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो चुका है और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो चुका है। और ये दोनों भी रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही बार हो चुके हैं, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल टू, यफी आयरन मेटल प्लस कॉपर सल्फेट ब्लू पाउडर, ब्लू क्रिस्टल्स, FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर। यहां पे देखा जाए तो यफी इनिशियली इट वॉज कन्वर्टेड इन टू FeSO4। ये जो पूरा सल्फेट ग्रुप है विद ऑक्सीजन हैज बीन एडेड टू यफी, यानी कि SO4 जो ग्रुप है वो जैसे के वैसा एफी के साथ ऐड हो चुका है, यानी कि एफी को इनडायरेक्टली ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। तो एफी का हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली रिवर्स, अगर कॉपर की बात हो तो कॉपर सल्फेट में से SO4 जब ग्रुप चले जाता है तो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाता है और कॉपर सिर्फ अकेला बचता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल किधर है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन, यानी कि कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो चुका है और आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन हो चुका है। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें दो प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं। ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आज का दोनों एग्जाम्पल आपको रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जैक्टली आसानी से और वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको पता चले होंगे। मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आशा करता हूं कि आप मुझे कमेंट करें, आपको जो भी क्वेरीज है वो पूछे। अगर आपको एग्जाम्पल्स रिक्वायर्ड है, अगर जरूरत है तो डेफिनेटली मैं आपको भेजूंगा, शेयर करूंगा। तो ये आपका वीडियो, आपको आज का वीडियो मुझे आपको पसंद आया नहीं आया, या कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे डेफिनेटली उससे शेयर करना है। अगर पसंद आया तो लाइक करे, वरना ना लाइक करे तो भी चलेगा। अगर आपको जरूरी लगे कि आगे के मेरे वीडियोस आपके पास कंटिन्यू आते रहे, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।